पे देखने में आया कि स्ट्रीट लाइट से तमाम मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है। आज स्मार्ट सिटी की बैठक रखी गई, विकास कार्यों की समीक्षा की गई। चूँकि आज मेरी पहली बैठक थी, परिचायक बैठक भी थी और फौरी तौर पे कुछ प्रोजेक्टों की समीक्षा भी की और जितने भी स्मार्ट सिटी से संबंध जो सदस्य हैं उनके भी कई महत्वपूर्ण सुझाव थे। जो प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं वो स्मार्ट सिटी के मापदंड के अनुसार उनका संचालन हो और जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं उनको लाइनअप किया है कि समय सीमा में वो प्रोजेक्ट पूरे हों और जिन कामों को धरातल पर उतारना है वो भी तत्काल वो धरातल पर शुभारम्भ हो। ये तीन प्रकार के बैठक। स्ट्रीट लाइटों को लेकर बड़ी नाराजगी सामने आई, कलेक्ट्रेट सहित अन्य VIP इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी रहती है, मेन बाजारों में भी अक्सर बल्ब बंद पड़े रहते हैं। देखिए मैं ऐसा समझता हूँ, जहाँ काम होता है वहाँ अपेक्षाएँ लोगों की ज़्यादा होती हैं। स्मार्ट सिटी से अपेक्षाएँ लोगों की, स्मार्ट शहर बनाना है तो 10 लाइटें जल रही हैं, एक लाइट अगर बंद है तो वो भी चालू रहना चाहिए। ये लोगों के सुझाव थे और ये व्यवहारिक होना चाहिए। मुरार नदी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पहले स्वर्ण रेखा में करोड़ों रुपए बहाया, मुरार नदी के सौंदर्यकरण के नाम पर पैसों को बर्बाद कर दिया। देखिए मैंने कहा जब काम होता है और समीक्षा होती है तो कहीं कोई धीमा प्रोजेक्ट है तो उसमें तेजी लाने के लिए ही समीक्षा रहती है। मुरार नदी की भी प्रोजेक्ट की जो फौरी तौर पर जो समीक्षा की गई है जैसा लोग कह रहे हैं वैसा नहीं है। सच्चाई तो ये है, जैसा समीक्षा के दौरान जो बात सामने आई है, प्रोजेक्ट की लागत जो है उसके अनुसार मैं समझता हूँ 4% के करीबन वित्तीय जो राशि खर्च हुई है। वह प्रोजेक्ट में जो जितनी राशि खर्च होना है अब 95% काम नहीं हुआ है, 5% ही सिर्फ काम हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ। और जितना काम किया उतना भुगतान हुआ है, कहीं काम से अधिक अगर भुगतान हुआ हो तो आप लोग बताएं। भैया चंबल वाटर प्रोजेक्ट की जो है कब तक शुरुआत हो जाएगी? देखिए मैंने कहा मेरी पहली बैठक थी चुनाव के बाद, निर्वाचन के बाद हम निश्चित रूप से जल्दी जल्दी हम जो भी प्रोजेक्ट अधूरे हैं उनकी समीक्षा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि चंबल का जो प्रोजेक्ट है पानी का वो भी जल्दी धरातल पर उतरे और ग्वालियर को आने वाले समय में शुद्ध पानी चंबल का मिल सके। ये हमारा ईमानदारी के साथ प्रयास रहेगा और जल्दी इस काम को करेंगे। स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम पूरा होने वाला है, ऐसे में स्मार्ट सिटी कार्य अधूरे हैं उनका क्या होने वाला है? देखिए स्मार्ट सिटी के कई काम अधूरे हैं, हम फिर केंद्र सरकार से आवश्यकता अनुसार रिक्वेस्ट करेंगे कि उन कामों को पूरा करने के लिए उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे कि हो सकता है हमें और समय मिले, नहीं इसका कुछ न कुछ तोड़ तो निकालेंगे, जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा तो करना ही है। जिले में जा रहे हैं, जनता की समस्याएं, जनता बैठी हुई है वहाँ, उनके लिए थोड़ा हमें पहले से निर्धारित तक भी जाना है। पदमा की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है और स्मार्ट सिटी का कार्यकाल भी अब 10-5 दिन शेष बचे हैं। स्मार्ट सिटी का कार्यकाल भी कई बार बढ़ गया और ख़त्म होने का कार्यकाल भी समाप्त होने पर हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी चालू नहीं हुए। इन सब विषयों पर मंथन किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ग्वालियर की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए। उन सब विषयों पर चर्चा की है, अगली बैठक में तय करेंगे। उनको निर्देशित किया है अध्यक्ष महोदय ने, हम सब ने अपने अपने विचार रखे हैं और निर्देशित किया है कि अगली बैठक में विस्तृत जानकारी कि किसका समय क्यों बढ़ाया, विलम्ब क्यों हुआ है, समय सीमा पर काम क्यों नहीं हुआ। ज़्यादातर जो स्मार्ट सिटी के काम है समय सीमा पर पूरे नहीं हुए और उसमें कार्यकाल 2 साल का था, वह 6 साल लगभग होने जा रहे हैं, तभी अभी तक काम पूरे नहीं हुए। ऐसी बहुत सारी स्थिति में हैं काम जो अभी पूरे नहीं हुए, उन सब पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में इन पर निर्णय लिया जाएगा और शहर के लिए क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी होना चाहिए था और जो हमारे रेवेन्यू जनरेट के लिए स्मार्ट सिटी ने कौन कौन से काम किए हैं, उनसे हमें कितनी रेवेन्यू प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। आप संतुष्ट हैं काम काज से, कुछ उठाए थे आप? ग्वालियर की पूरी जनता संतुष्ट नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊँ? क्या कुछ मुझे उठाए? बहुत सारी बातें स्ट्रीट लाइट को लेकर उन्होंने उठाया, स्ट्रीट लाइट की वजह से नगर निगम की छवि खराब हुई है,
लोग ये नहीं समझते कि स्मार्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट लाइट कर रही है, लोग तो यही समझते हैं नगर निगम कर रही है। और नगर निगम की छवि डिस्ट्रिक्ट लाइट के मतलब पिछले 4-5 साल में बहुत खराब हुई है, उसकी जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी है। इस सब भी बहुत सारी विषयों पर अपन ने बात रखी। भ्रष्टाचार को लेकर भी बात की गई है। अब भ्रष्टाचार क्या है क्या नहीं, जो एजेंसियां तय करेंगी, हम तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार को लेकर तो हमने कोई आरोप विशेष नहीं लगाया है। ठीक, क्योंकि बेहद जरूरी है, शहर की जीवन दायी बन सकती है, पुराने समय को लौट सकता है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा निगम को यहाँ पर राशि उपलब्ध कराई गई है और अच्छी सब्सटैंशियल अमाउंट है और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो एजेंसी भारत सरकार के द्वारा फिक्स की गई है, वैपकॉस जो एजेंसी है, उनकी टीम यहाँ पर सतत रूप से विगत वर्षों में नहीं रही है, ऐसा मुझे रिव्यू के समय पता लगा है। और जो उनका फिजिकल प्रोग्रेस होना था अभी तक का, वो बहुत ही नगण्य है मैं कहूँगी। तो निश्चित रूप से आयुक्त महोदय के द्वारा भी लिखित में कई बार भारत शासन को ये भेजा गया है कि इस एजेंसी के माध्यम से ये कार्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उस पर निर्णय होना शेष है। और आज ये विषय हमने माननीय सांसद महोदय के समक्ष भी प्रस्तुत किया है कि वे भी दिल्ली में अपने स्तर से प्रयास करके इसको या तो वो चेंज करवाएं या फिर उनका कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पर आकर के डेप्यूटेड रहे और इस कार्य को गति दे। निश्चित रूप में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में नदी का स्वरूप भी बहुत सुंदर होगा और आसपास भी बहुत ब्यूटिफिकेशन होगा। YouTube channel को subscribe कर